तेलंगाना अल्पसंख्यक छात्रावास विरोध संघर्ष समिति द्वारा तेलंगाना छात्रावास के लिए की गई जमीन आवंटन के विरोध में राज्य मंत्री धर्मेंद्र राठौर को ज्ञापन दिया गया। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि जिस स्थान पर भूमि आवंटित की गई है वह स्थान छात्रावास के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए इस आवंटन को निरस्त कर शहर के अन्य स्थान पर भूमि आवंटित की जाए। समिति के सदस्यों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तब तक संघर्ष इसी प्रकार जारी रहेगा। वहाँ जो अलॉटमेंट किया है और अल्पसंख्यक छात्रावास अलॉटमेंट किया है उसके निरस्तीकरण के लिए हम आए हैं कॉलोनी वासी, और हमने धर्मेंद्र सिंह जी राठौर साहब को हमने दिया है ज्ञापन दिया है, और इसमें हमने ये कहा कि ये दोनों जगहें जो है कॉलोनी के बीच सेंटर में है, यहाँ आबादी है, हमारे परिवार रहते हैं, और ये दोनों स्थितियाँ ऐसी है कि हमारे जो वहाँ कॉलोनी वासी हैं बहुत डिस्टर्ब होंगे और हमेशा का आना जाना लगा रहेगा, इससे प्रशासन भी थोड़ा दबाव में रहेगा, उस तरफ से आना जाना रास्ते पे भी दबाव रहेगा। तो हमारा तो यही है कि सरकार किसी की भी हो, अगर बीजेपी के राज में हुआ तब भी हमने विरोध किया था 18 में, उनका भी विरोध किया है, और अभी ये जो हमें पता लगा तो अभी हमें विरोध कर रहे हैं। तो हम तो आमजन हैं, हम तो दोनों ही सरकार हमारी है, बीजेपी हमारी, कांग्रेस भी हमारी, हम वोट हम ही देते हैं, तो हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ से कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाए, कॉलोनी के बाहर जहाँ सुविधाजनक रहे, चाहे कायड विश्राम चली की तरफ हो चाहे इधर बकरा मंडी की तरफ विश्राम चली की तरफ हो। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन दिया है कि हम इस बारे में सोचेंगे, सरकार से बात करेंगे। मंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है, मंत्री जी ने कहा कि मामले के देखेंगे, और उनका कहना था उस शासन में, हमारा कहना है कि हम किसी शासन में हो, वो बीजेपी के शासन में भी हुआ है, कांग्रेस के शासन में हुआ है, हम पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते, हमारा वहाँ स्थानीय लोगों की मांग है, स्थानीय लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए, इससे पार्टी की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि बीजेपी है कांग्रेस है, ये आमजन की भावनाओं का है, जो वहाँ पर चयन किया गया है वो स्थान बिल्कुल गलत चयन किया गया है, दोनों ही स्थान गलत हैं, वो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है दोनों स्थान। और जिस तरह से लोग कहते हैं कि धर्मेंद्र सिंह जी ये अनुमान है सरकार के, अशोक गहलोत के, तो उसी तरह जनता के भी अनुमान बने और जनता की परेशानियों को समझे और इस चीज को यहाँ से स्थगित कराएं, निरस्त कराएं, क्योंकि आमजन को बहुत आक्रोश है, यहाँ जितनी समस्या उत्पन्न होगी उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, ये अभी तो आमजन की समस्या है, तो हनुमान की तरह आमजन की समस्या को सुलकर कर उसका निपटारा करें, अन्यथा ये मुख्यमंत्री जी की समस्या बनेगी, उसमें आमजन का बहुत बड़ा विरोध होने वाला है, जो कल्पना नहीं कर सकती, तो हनुमान की तरह इसको भी निरस्त करवाएं, आमजन की समस्या को समझे, नहीं तो मुख्यमंत्री जी की समस्या बनने वाली है। डॉक्टर शालिनी मल्टीकेयर आयुर्वेद क्लिनिक, पंचकर्म विद कर्म, अग्निकर्म और मर्म, चिकित्सा से पुराने दर्द और रोगों का जड़ से इलाज, हमारे यहाँ पंचकर्म पद्धति, वमन विरेचन, नस्य वस्ते, रक्त मोक्षण और शिरोधारा से रोगों का जड़ से इलाज किया जाता है, साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, शरीर से विषाक्त तत्वों को निकालना, अतिरिक्त चर्बी कम करना, वाहिका तंत्र व मनोवैज्ञानिक प्रणाली में संतुलन करना आदि अनेक इलाज किए जाते हैं। तो चले आइए डॉक्टर शालिनी मल्टीकेयर आयुर्वेद क्लिनिक, महाबोधि स्कूल के पास, गौतम नगर, अजमेर। फोन नंबर है 8290277788। थेरेपीज द्वारा शरीर की शुद्धि करते हैं, जैसे कि वमन विरेचन, रक्त मोक्षण, नस्य वगैरह, शिरोधरा, जो लंबे समय से जो हमारे शरीर के अंदर जमा जो टॉक्सिन्स वगैरह हैं वो बाहर निकाले जाएंगे और जो हमारा शरीर है वो शुद्ध हो जाएगा, तो डिजीज अपने आप जड़ से क्योर हो जाएगी। राजस्थान का एकमात्र ऐसा मार्ट जो लाइफ कंसल्ट लेकर आया है आपके लिए, नंबर वन चक्की से पिसे शुद्ध मसाले और सभी तरह के अनाज अपनी आंखों के सामने पिसवाएं। रसोई से संबंधित कोई भी मसाला या अनाज, 100% शुद्ध कच्ची घानी तेल, रसोई से जुड़ा हर तरह का सामान उपलब्ध, साथ ही 2000 रुपए की खरीदारी पर फ्री होम डिलीवरी। तो चले आइए नेहा फ्रेश मार्ट, मोती विहार कॉलोनी, महादेव मार्बल के पीछे, बांडी नदी पुलिया, रामनगर, पुष्कर रोड, अजमेर, 9929091952।